निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो ही आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? क्यूब वाला है ना, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। एक तो लगाएंगे आपका a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² और दूसरा एक इसका निगेटिव वाला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस का 3ab². इन्हीं दोनों आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं 9 नंबर पे। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है कि 8x³ प्लस का 125y³ प्लस में 60x² y और प्लस में 150xy². देखिए बात को थोड़ा समझ लीजिए, हमें पहले क्यूब वाले टर्म को ढूंढना होगा और ये भी देखना होगा पहले कि इन सब में कुछ एक ही साथ कॉमन तो नहीं है ना, जब एक ही साथ सब में कॉमन नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ना जी, नहीं ना दिख रहा है। चलिए तो अब आप देखो क्यूब वाले टर्म को, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा तो 2x³ कर देते हैं, ये 5 का क्यूब हो जाएगा तो ये 5y³ हो जाएगा। तो a के जगह पे यहाँ पे है 2x और b के जगह पे है 5y। अब इसी ऊपर वाले, क्योंकि ये सभी टर्म प्लस में, तो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 2x² इंटू में 5y प्लस 3 2x इंटू में 5y² देख लो इसी के अकॉर्डिंग 3a² b, a के जगह पे 2x है और b की जगह पर 5y है, प्लस 3ab² यानी a की जगह 2x और b की जगह 5y। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60x² y आ जाएगा कि नहीं, ये भी इतना आ जाएगा। तो ये किसके फॉर्मूले पर सेट है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ऊपर वाले आइडेंटिटी पे है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो होल क्यूब हो गया, इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस का 5y, 2x प्लस का 5y और यहाँ पे 2x प्लस का 5y, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब इसका